हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं रिगार्डिंग आरवीजी। तो आरवीजी में काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है इस बीच में कि आप कौन सा सेंसर ज़्यादा बेहतर है। इस बीच में डेंटल एक्सपो में भी काफ़ी सारे सेंसर्स लॉन्च हुए थे, बट मुझे अगर कंपेयर किया जाए दो सेंसर में, दो मेजर पॉपुलर सेंसर्स में, तो वो था एक नैनोपिक्स जो ओरिकेम की तरफ से आता है टीप के नाम से, और दूसरा है वुडपेकर आई सेंसर। तो दोनों के बीच में घमासान युद्ध था कि कौन सा सेंसर ज़्यादा बेहतर है। अगर प्राइस देखा जाए तो प्राइस से थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है 18th का आपका नैनोपिक्स, मगर अगर देखी जाए मार्केट में जो वुडपेकर आई सेंसर पहले लॉन्च हुआ था उस हिसाब से मैं सबसे पहले वही ख़रीदा था लॉन्च होते ही, एंड आफ्टर यूजिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैं कह सकता हूँ कि उसकी मुझे काफ़ी हद तक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में पता है। और अगर बात की जाए नैनोपिक्स के बारे में, तो नैनोपिक्स के बारे में मैंने सिर्फ लोगों से सुना था कि काफ़ी बेहतरीन सेंसर है, काफ़ी अच्छा सेंसर है, इसकी इमेज क्वालिटी अच्छी है और काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब पॉजिटिव क्वालिटी वाइज बताई गई थी। तो मुझे जब सेकंड सेंसर लेने की बात हुई थी कि मुझे एक और सेंसर लेना था, मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मुझे एक और सेंसर लेना है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार रिसर्च करके देखी जाए कि दोनों की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर नैनोपिक्स की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो देन माई सेकेंड सेंसर विल बी द नैनोपिक्स, तो देखते हैं। तो मैंने सोचा, मेरे एक दोस्त ने लिया था नैनोपिक्स हाल ही में और उसका मैंने सेंसर बोरो किया था कुछ दिन के लिए, मैंने अपने सेंसर के साथ उसका सेंसर एक्सचेंज किया, एंड आफ्टर यूजिंग फॉर अ वाइल रिजल्ट काफ़ी मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा। जितना मैंने नैनोपिक्स के बारे में हाइप सुनी थी, जितनी हाइप जनरेट हुई थी कि बहुत ही बेहतरीन सेंसर है, इतनी अच्छी क्वालिटी है, इजी टू यूज़ है, मुझे उतना नहीं लगा फिलहाल अगर देखी जाए। मगर इंडोडोटिक प्रोसीजर के थ्रू देखा जाए, सबसे मेजर हम एक्सरे तभी करते हैं या आईओपी तभी लेते हैं जब हमें कोई इंडोडोटिक प्रोसीजर करना होता है मेनली, मतलब मोर देन मैं 80% तो तभी लेता हूँ। अगर एक्सट्रैक्शन वगैरह करना होता है तो हार्डली मैं, अगर मुझे डाउट होता है तब मैं एक्सरे लेता हूँ, अदरवाइज मैं वो भी नहीं लेता। एंड आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, मतलब मैंने हर तरीके से उसको टेस्ट किया सॉफ्टवेयर वाइज हार्डवेयर वाइज। हार्डवेयर देखा, अगर हार्डवेयर कंपेयर किया जाए वुडपेकर आई सेंसर और नैनोपिक्स का, देन बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मगर अगर बात की जाए सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में काफ़ी बड़ा चेंज है, समझ लीजिए बहुत ऊपर नीचे चेंज है। ऐसा कैसे कि मतलब नैनोपिक्स में जो सॉफ्टवेयर मिलता है हमें वो काफ़ी बेसिक सॉफ्टवेयर है, उसमें ज़्यादा आपको फीचर्स तो मिलते हैं मगर मोस्ट ऑफ द फीचर्स मतलब यूजलेस है, एंड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर इनका बगी है, काफ़ी ज़्यादा लैगी है, तो वो यूज़र इंटरफेस उसका अच्छा नहीं है, तो मुझे वो कुछ खास नहीं लगा कंपेयरिंग विद द वुडपेकर आई सेंसर। वुडपेकर आई सेंसर में आपको जो सॉफ्टवेयर मिलता है काफ़ी बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, अगर उसकी देखी जाए स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको कोई लैग कोई बग नहीं मिलता, जो भी बग अगर रहते हैं तो उसको एज सून एज वो अपडेट में आता है वो अपडेट होकर सही हो जाता है। अभी तक वुडपेकर में मुझे नहीं लगता है कम से कम 7 से 8 बार तो अपडेट आ चुका है जब तक मैंने यूज़ कर रहा हूँ तब से, क्योंकि मैंने फर्स्ट जनरेशन से अपडेट लेकर अभी तक की जो अपडेट जितनी आई है मैंने सारी अपडेट्स की है, और जो अपडेट्स नहीं आती थी तो वो मैं जो हमें सप्लायर थे उनसे बात किया तो वो मुझे लिंक प्रोवाइड कर देते थे, वहाँ से मैं अपडेट कर लेता था। वहीं अगर देखा जाए नैनोपिक्स में कोई अपडेट ऐसा सच नहीं आया था। एक अपडेट मेरा दोस्त बताया था कि एक अपडेट आया था, लेकिन वो उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें सेंसर के साथ कुछ इशू आ रहा था, दैट्स वाई वो प्रीवियस अपडेट में चला गया, मतलब प्रीवियस सॉफ्टवेयर में चला गया प्रीवियस वर्जन में। तो ये पता चलता है कि कंपनी कितना ध्यान देती है अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, यूज़र इंटरफेस पे कितना ध्यान देती है। अगर एक नए यूज़र हो आरवीजी को लेके, तो वो आपको नैनोपिक्स ज़्यादा अच्छा लगेगा बिकॉज़ वो इजी टू यूज़ है। इजी टू यूज़ मतलब कह सकते हो कि आप प्लग एंड प्ले सिस्टम है, आप जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो अपने पीसी या लैपटॉप में, एंड एज सून एज यू प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है यूएसबी लगाओ फटाफट अपना आईओपी ले लो। वेयर एज वुडपेकर में आपको काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए बिकॉज उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का भी कई प्रोसीजर है, वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था कैसे कैसे इंस्टॉल होता है सॉफ्टवेयर, मैंने दिखाया था उसमें। अब जो आ रही है उसमें कैलिब्रेशन भी मांगता है, अब अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो अपने पीसी में तो कैलिब्रेट करोगे, उसके बाद जाके आप कहीं जाके सेंसर वो उसके बाद भी शूट नहीं कर सकते, उसके बाद आपको सेंसर सेलेक्ट करना होता है कि आपका आई स्कैन आई सेंसर आईओ सेंसर ऐसे करके दिया होता है, तो आपका जो सेंसर है उस पर क्लिक करके आपको ओपन करना पड़ता है पहले सेंसर, फिर वहाँ पे जब क्लोज आइकन अपीयर होता है तब जाके आपकी सेंसर रेडी होती है किसी एक्सरे को लेने के लिए। तो उसके बाद
ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, कुछ लोग के लिए हैक्टिक होगा, बट मेरे लिए उतना हैक्टिक नहीं है, क्योंकि मुझे मतलब है रिजोल्यूशन और इमेज क्वालिटी से, क्योंकि हम एक्सरे उसी लिए ले रहे हैं, राइट। हम अगर कोई इंडोडोंटिक प्रोसीजर कर रहे हैं, अगर हमें प्रॉपरली क्लियरली विजिबल नहीं होगा रूट एपेक्स या कितने कैनाल से वो विजिबल नहीं होगा, तो हम कैसे करेंगे इंडोडोंटिक प्रोसीजर। तो इसी वजह से मुझे वुडपेकर आई सेंसर उसके मुकाबले बेहतर लगा, बिकॉज आप इसमें काफ़ी कुछ नए ऐसे फीचर्स हैं जिसके आप यूज़ करके आप काफ़ी सारी चीज़ों इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। रिजोल्यूशन अच्छी है वो डेनोपिक से, आपकी जो शार्पनेस इंक्रीज करने की फीचर है वो आपको वुडपेकर में मिलता है, नैनोपिक्स में ऑटोमेटिक है बट वो नेग्लेजिबल काम करता है, वो बिल्कुल काम नहीं करता, तो मुझे उतना कुछ खास उसमें नहीं लगा। अब बात की जाए दोनों की सॉफ्टवेयर इंटरफेस की, तो मैं साइड बाय साइड एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके उस लैपटॉप की दोनों की, और क्या क्या उसमें फ़ीचर मिलती है आपको नैनोपिक्स में और क्या क्या फ़ीचर मिलती है आपको वुडपेकर में, जो मुझे डिफ्रेंशिएट कर देता है लेने के लिए। और अगर बात की जाए दूसरी चीज़ों की लाइक इमेज, मतलब जो कई लोग को इससे मतलब होगा कई लोग को नहीं होगा, कि जैसे वो कितने टाइम में प्रोसेसिंग करता है, आप नैनोपिक्स ले लो, नैनोपिक्स अगर आप कोई एक्सरे शूट करते हो इट टेक्स मोर देन 3 सेकेंड टू प्रोसेस अ इमेज, और वही अगर आप वुडपेकर से लेते हो इट विल टेक हार्डली 1 सेकेंड लेता है वो प्रोसेस करके आपको इमेज, एज सून एज आपने शूट किया अब तो डायरेक्टली लैपटॉप की स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, तो इससे हमारे टाइम भी बचता है। वैसे भी इतना डरा टाइम का डिफरेंस नहीं है, मगर अब मुझे तो मतलब है ये सब चीज़ों से, बिकॉज ऐसा कई बार होता है कि ऑकवर्ड पोजीशन में खड़े रहना पड़ता है जब तक वो इमेज आ नहीं जाती, कई बार ऐसा होता है कि हमें कई बार एक्सरे लेना पड़ता है प्रॉपर एंगल के लिए, तो इस वजह से मुझे वो थोड़ा हेक्टिक लगा। दूसरा, और कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स नज़र आई मुझे नैनोपिक्स में, जैसे नैनोपिक्स की कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है, अगर दोनों का सॉफ्टवेयर लैगी है, मतलब दोनों का नहीं आप कह सकते हो नैनोपिक्स का सॉफ्टवेयर लैगी है, लेकिन अगर क्रैश करता है तो अगर सॉफ्टवेयर मेरा वुडपेकर का सॉफ्टवेयर कई बार क्रैश किया है, मे भी मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है इस वजह से या पता नहीं किस वजह से, अगर बाय चांस कभी सॉफ्टवेयर क्रैश करे तो जब आप दोबारा सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तब आपको दोबारा सेंसर ओपन करना पड़ेगा, तो वो प्रोसेसिंग आपको रिपीट करनी पड़ती है, तो यही एक इशू है उसके साथ। मगर अब मैं अगर बात करूँ सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, इमेज क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमेज रिप्रोडक्शन एंड आप कह सकते हो शार्पनेस ऑफ द इमेज की बात करूँ, तो सब कुछ मिला के मैं बात करूँ तो मुझे वुडपेकर का ज़्यादा बेहतर लगा सेंसर। मैंने ऑर्डर कर दिया वुडपेकर का सेंसर, इस बार मैं जो सेंसर साइज़ ले रहा हूँ वो साइज़ 2 ले रहा हूँ, बड़ी सेंसर ले रहा हूँ इस बार, बिकॉज जो स्टैंडर्ड सेंसर आता है वो कई बार पैलेटल कैनाल उसमें पूरी कवर नहीं होती, उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा एंगल लेना पड़ता है, तो उस वजह से मैं उस पर ज़्यादा उतना फोकस्ड नहीं हूँ। इस बार मैं थोड़ा बड़े साइज़ का सेंसर लेके देखता हूँ, लेकिन लूँगा तो वुडपेकर आई सेंसर का ही लूँगा। एज सून एज मेरे पास वो बॉक्स आ जाएगा मैं उसकी अनबॉक्सिंग भी अभी जल्दी ही अपलोड कर दूँगा बड़े सेंसर का, वुडपेकर का। सो बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, हो सकता है कि मेरे ओपिनियन से कई लोग खुश ना हो, मैं कोई ऑफिशियल में किसी को डिफेम नहीं कर रहा नैनोपिक्स को, कुछ लोगों को वो इजी टू यूज़ है, जो लोग ये यूज़र टू यूज़र मतलब प्रीफर करता है कि कौन सा यूज़र किस टाइप के सॉफ्टवेयर को ज़्यादा पसंद करता है वो बात है। बाकी दोनों की इमेज की बात करूँ तो 19-20 का अंतर होगा, मैं अगर बात कर लेता हूँ वुडपेकर की तो थोड़ी सी इमेज वुडपेकर की अच्छी है कंपेयरिंग विद द नैनोपिक्स, बट अगर यूज़र इंटरफेस की बात करें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा वुडपेकर का, और अगर इजी टू यूज़ की बात करें तो नैनोपिक्स इज़ ईजी टू यूज़, तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, जिसको जो पसंद आता है वो लेता है। मेरे हिसाब से मुझे तो नहीं पसंद आया, दैट्स वाई आई जस्ट गिव अप कि मुझे अब ये नैनोपिक्स नहीं लेना, अब मैं एज सून एज एक बार और मैं अपडेट कर दूंगा जैसे ही मेरे पास वो RVG आती है, एंड देखते हैं मौका मिलेगा तो किसी दूसरे RVG के साथ भी कंपेयर करके देखेंगे। मेरा भी मेन था कि केयरस्ट्रीम से भी एक बार कंपेयर करके देखने का, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला बिकॉज मेरे किसी फ्रेंड के पास फ़िलहाल है, लेकिन मेरे सीनियर के पास है, अब वो काफ़ी मेरे घर से दूर रहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं था कि उनसे ज़्यादा एक्सचेंज कर पाऊँ, एंड ये थोड़ा बहुत मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए तो ईजी है, मैं तो भाई जैसे तैसे सॉफ्टवेयर गैजेट फ्री हूँ, मैं तो जैसे तैसे सीख लेता हूँ तुरंत सेंसर जैसे मेरे पास आया तो।
लेकिन जो अन्य बंदे के पास सेंसर जाता है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इनफैक्ट मेरे दोस्त को जो सेंसर दिया था उसको भी सीखने में काफ़ी टाइम लग रहा है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो होता है किसी किसी लोगों को, तो ये ऐसा इशू है लोगों के साथ। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेंसर अपनी अपनी जगह अच्छा है। मेरे ये सिर्फ जो भी तो दोनों सेंसर के बीच में कंपैरिजन था, ये मेरे हिसाब से था, ये मेरा ओपिनियन था। ऐसा नहीं है कि वो सेंसर बिल्कुल ही ख़राब है। अब वो तो भाई जो यूज़ करते हैं उनको पता है। तो मुझे तो दोनों, मैंने दोनों यूज़ करके देखा और दोनों यूज़ करने के बाद जो मुझे मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपको बताया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है या डिफेम कर रहा हूँ या वुडपेकर को प्रमोट कर रहा हूँ। मुझे किसी से कोई पैसे वैसे तो मिलने स्पॉन्सर है नहीं, बस एक ओपिनियन था, एक अच्छा लगा मुझे तो मैंने सोचा एक शेयर कर लूँ। दैट्स ऑल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अभी आने वाले टाइम में, आने वाली वीडियोस में मैं और दिखाऊंगा। अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको दिखा देता हूँ दोनों सेंसर साइड बाई साइड कौन सा सेंसर ज़्यादा बेहतर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।